क्वेश्चन नंबर एट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टू पोल्स आर रिस्पेक्टिवली 60 एंड 30 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स. बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना. हमें कहा गया है टू पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट, जिनकी हाइट इक्वल है. दे आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, वो एक दूसरे के सामने स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हुए हैं. ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड 80 मीटर वाइड, एक रोड है, कितनी वाइड है बेटा 80 मीटर, ये हो गई 80 मीटर वाइड रोड. अब दो पोल्स हैं और दोनों पोल की हाइट जो है ना वो इक्वल है. एक पोल ये हो गया और दूसरा पोल ये वाला हो गया, दोनों की हाइट क्या बेटा इक्वल है. तो अगर मानो इस पोल की हाइट एक्स है तो इसकी भी एक्स ही होगी, फाइन. और रोड कितनी वाइड है 80 मीटर. अब इतना फिगर बन गई. अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, अब उनके बीच में एक पॉइंट है, पॉइंट मिडल में नहीं है बेटा, बिटवीन में है. और बिटवीन में जब हम पॉइंट मार्क करेंगे ना तो हम अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ एलिवेशन करेंगे ऑफ द टॉप. एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनता है बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ. अब पॉइंट पी नीचे है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसे जाएगा. अब पॉइंट की पोजीशन क्या रहेगी, जो बेटा जिस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्रेटर है, बड़ा है, उस पोल जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट है उस पोल के नियर होगा. जितना बड़ा एंगल होगा उतने ही नियर उसका पॉइंट होगा. अब मान लो ये फर्स्ट पोल का एंगल हमें 60 डिग्री दिया, तो जो पॉइंट पी होगा ना, मान लो मैं पॉइंट पी मान लेता हूँ कि पॉइंट पी है इन दोनों के बीच में, वो फर्स्ट वाले पोल के नियर होगा. तो यानी कि ये जो एंगल होगा ना 60 डिग्री हो जाएगा हमारा, ओके. तो यहाँ पर हम 60 डिग्री मान लेंगे और दूसरे वाले पोल का एंगल 30 डिग्री रहेगा. और पॉइंट जितना कम एंगल होगा उतनी डिस्टेंस ज़्यादा होगा पॉइंट का पोल से. तो ये जो है बेटा ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा. ध्यान रखना फिगर को ड्रॉ करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना है बेटा. यानी कि जो एंगल बड़ा है पॉइंट उस पोल के नियर होगा, और जो एंगल स्मॉलर है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन स्मॉलर है, पॉइंट उस पोल से दूरी पे होगा, ज़्यादा दूरी पे होगा, डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, नियर नहीं होगा, ओके. तो अब इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं. अब हम इस फिगर को नेम देते हैं. जैसे पहले वाले पोल को हम ए बी नेम दे देते हैं, दूसरे वाले पोल को हम डी सी, या सी डी कह लो या डी सी कह लो, ठीक है. ये हमने नेम दे दिया दोनों पोल्स को, और दोनों पोल की हाइट को हमने एक्स अज्यूम कर लिया. अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट यानी कि पॉइंट पी का डिस्टेंस दोनों पोल से, ए बी वाले पोल से भी और सी डी वाले पोल से भी निकालना है. तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 80 मीटर दिया है, ठीक है. यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 80 मीटर. अगर मैं बी पी, पॉइंट पी का डिस्टेंस ए बी से, यानी कि बी पी को वाई कंसीडर कर लूँ, तो सी पी क्या रहेगा बेटा, सी पी होगा 80 माइनस वाई. देखो कैसे, ये पूरा बी सी है, बी सी में से बी पी हटा दो बेटा तो क्या बचता है, सी पी. यानी कि सी पी जो होगा वो 80 माइनस वाई होगा. तो अब हमारी फिगर बन गई, हमने इसकी लेबलिंग भी कर ली और मेजरमेंट भी लिख दी. अब हम क्वेश्चन को करते हैं बेटा. तो सबसे पहले लेंथ ऑफ पोल ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ पोल सी डी है, और दोनों की हमने क्या एज्यूम करी है, एक्स मीटर हाइट, ओके. अब पॉइंट उनके बीच में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी. तो उसका बी पी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम फर्स्ट पोल कितना है, वाई है,
और सेकंड पोल से पॉइंट पी का डिस्टेंस यानी कि सी पी इज इक्वल टू ए टी माइनस वाई है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फर्स्ट पोल ठीक है वो कितना है 60 डिग्री, यानी कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी ये वाला एंगल ये वाला ठीक है, एंगल ए पी बी जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फर्स्ट पोल है कितना है 60 डिग्री ऑफ, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेकंड पोल डी पी सी, डी पी सी कितना है 30 डिग्री, एंगल डी पी सी ये सब हमें गिवन है ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम बेटा हम सॉल्व करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम टू पोल्स यानी कि वाई और ए टी माइनस वाई हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हम लेंगे राइट ट्रायंगल ए बी पी, क्योंकि जो ये पोल है ये परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड के ऊपर, स्ट्रेट होगा ना पोल तो ये परपेंडिकुलर होगा। ओके तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी पी, इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो यूज होगा, साइन होगा कोस होगा या टैन होगा देखते हैं बेटा। अब क्योंकि एंगल हम ये वाला ले रहे हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी ना उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के साथ वाली साइड बेस होती है एंगल की, जिस एंगल का रेशियो हम ले रहे हैं 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में रेशियो ले रहे हैं, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अब देखो 60 के सामने वाली साइड ए बी परपेंडिकुलर हो गई और साथ वाली साइड बी पी हमारा बेस हो गया, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज आ रही ठीक है। तो हमारे पास इन्वॉल्वमेंट किसकी है, एक्स और वाई की है ना, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस की है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से रेशियो में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक के, ध्यान से समझना बेटा। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पी बी पी एच एच बी वाली, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हरहर भोले ठीक है, उसमें ये साइन होता है ये कोस होता है और ये टैन, इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो सोना चांदी तोला, साइन कोस टैन, और टैन पी पी अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में है टैन में है। तो हम लिखेंगे इन इन राइट एंगल ए बी पी टैन 60, टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि 60 की सामने वाली साइड जो कि एक्स है, अपॉन बेस, बेस मीन्स 60 की जो साथ वाली साइड है हाइपोटेन्यूज को छोड़ के अदर देन हाइपोटेन्यूज जो कि बी पी यानी कि वाई है, एक्स अपॉन वाई। अब टेन 60 अगर बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम देखें या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न हो तो उसकी वैल्यू होती है टेन 60 की √3, √3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई होगा फाइन। और बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लर्न करना होगा ओके, अगर लर्न नहीं हो कर सकते तो बेटा उसके लिए एक टेबल को फॉर्म करने की एक ट्रिक होती है जो कि मैंने सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन की गई है, और उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। अब हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, अब इसके नीचे मैं 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू लूँगा ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो एक्स होगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज सेम नंबर, इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई वाई। अब बेटा √3 मल्टीप्लाई वाई मतलब √3 और वाई, ये ध्यान रखना जब हम √3 मल्टीप्लाई वाई करेंगे ना जो 3 है वो रूट के अंदर आएगा और वाई आउटसाइड द रूट आएगा, तो ये एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पर आ गई √3 वाई, इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। अब आगे ध्यान से समझना बेटा, नाउ इन राइट ट्रायंगल डी सी पी, अब हम कौन सा राइट ट्रायंगल ले रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल डी सी पी, डी सी पी में भी ये परपेंडिकुलर और बेस की इन्वॉल्वमेंट है देखो, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा टैन ही होता है ना, यानी कि टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इधर क्या है सी डी है, सी डी और सी डी की वैल्यू क्या है एक्स है, और बेस सी पी यानी कि 80 माइनस वाई। ओके अब टेन थर्टी 1 अपॉन √3
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से अगर हम ऑब्जर्व करें तो 1031 अपॉन रूट 3 होता है इज इक्वल टू एक्स अपॉन 80 माइनस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाई 80 माइनस वाई, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है, और x मल्टीप्लाई बाई रूट 3, एक्स मल्टीप्लाई बाई रूट 3 क्या होगा बेटा, रूट 3x होगा। अगेन रूट 3 जो है, रूट 3 जो है रूट के अंडर आएगा लेकिन x आउटसाइड द रूट होगा, और 1 मल्टीप्लाई 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई ही होगा। अब x की वैल्यू इधर ये रूट 3x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की वैल्यू होगी 80 माइनस वाई अपॉन रूट 3। ओके, तो इधर से भी हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसे हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे ध्यान से समझना बेटा, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ध्यान से समझना बच्चे, इधर भी x की वैल्यू हमें दी है रूट 3y और इधर x की वैल्यू दी है 80 माइनस वाई अपॉन रूट 3, यानी कि दोनों इक्वेशन का LHS सेम है तो RHS भी इक्वल होना चाहिए। अगर LHS इक्वल है तो RHS भी हम इक्वल लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि रूट 3y इज इक्वल टू 80 माइनस वाई अपॉन रूट 3। ओके, अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं रूट 3y इंटू रूट 3 तो देखो क्या मिलता है हमें। अब रूट 3y इंटू रूट 3y जब हम करेंगे तो हम रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे, और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना, रूट 9, और रूट 9 स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इज 3, सो रूट 3 इंटू रूट 3 को हम 3 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3y। अब 1 इंटू 80 माइनस वाई करो, 80 माइनस वाई इंटू 1, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वी गेट द सेम नंबर, तो इधर हो जाएगा 80 माइनस वाई। अब बेटा आगे ध्यान से समझना, अब जो ये माइनस वाई है 3y के साथ जाके प्लस वाई हो जाएगा, 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, और दिस इंप्लाइज दैट 4y इज इक्वल टू 80, और y की वैल्यू क्या होगी बेटा, 80 अपॉन 4, तो y हो गया 20। तो अब हमारे पास y की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि डिस्टेंस BP तो 20 मीटर हो गया, डिस्टेंस BP, और डिस्टेंस CP क्या होगा, 80 माइनस वाई, यानी कि 80 माइनस 20 60 मीटर। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं आंसर को, तो स्टेटमेंट बनाएंगे बेटा, डिस्टेंस, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पॉइंट पी फ्रॉम फर्स्ट पोल इज इक्वल टू 20 मीटर, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेकेंड पोल क्या होगा बेटा, 80 माइनस 20, क्योंकि 80 माइनस वाई था ना, y की वैल्यू हमारी 20 आई है, तो 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। तो यही हमारा आंसर है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फर्स्ट पोल इज 20 मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेकेंड पोल इज 60 मीटर।